हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, नदी, और ये ऐसे बहती जा रही, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ये इस तरफ किसी भी तरफ, मान लो इस तरफ जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिवर में एक बंदा जो है वो तैर रहा है, यहाँ एक बोट जा रही है। अरे टेंथ में करते थे ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, है ना, बस ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो टेंथ में लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हारा चैप्टर था, उसमें बोट यहाँ तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाती थी जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यहाँ रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी जिसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। यहाँ पर हम लोग किसी थीटा एंगल पर भी रिवर के फ्लो के किसी थीटा एंगल पर भी बोट को चला देंगे, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी एक बोट है, यहाँ एक स्विमर है, ये बंदा हमारा, और ये देखो एक एक चीज़ तो क्या होती है कि जब अगर अगर मान लो पानी रुका हुआ होता तो एक बंदा तो क्या है कि अपने अपना खुद का जो एफर्ट लगाएगा उस एफर्ट की वजह से तैर सकता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से वेलोसिटी की और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये पानी रुका हुआ होता और ये बंदा ऐसे ऐसे तैर रहा होता तो ये ऐसे निकल जाता, है ना। सोचो सोचो, पानी रुका हुआ है, ये बंदा तैर के जा रहा है, चाहे ऐसे जा रहा है चाहे ऐसे जा रहा है, जो जिस डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी से तैरना चाह रहा है उतनी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में तैर के ये नदी पार कर जाएगा क्योंकि पानी रुका हुआ है। सिचुएशन नंबर एक। अब दूसरी सिचुएशन सोचो कि पानी फ्लो कर रहा है लेकिन ये अपना एफर्ट नहीं कर रहा, इसको लाइफ जैकेट पहना के हमने नदी में छोड़ दिया, तो ये किधर फ्लो करता हुआ जाएगा, जिधर पानी इसको ले जाए, है ना। अब इन दोनों सिचुएशंस को मिला दो, एक बंदा है जो एक ऐसी रिवर में फ्लो कर रहा है जो रिवर भी चल रही है, तो एक तो बंदा अपना जो एफर्ट जनरेट कर रहा है उससे अपनी एक वेलोसिटी पैदा करेगा, जिस वेलोसिटी से वो जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है वो चलेगा, लेकिन उस तरफ वो जा नहीं पाएगा क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है तो साथ साथ रिवर भी उसको फ्लो कराएगी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में वो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तैर तो इधर रहे हैं भाई साहब, ये इधर तैर रहा, इधर इधर ऐसे, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है जिससे कि बंदा अपना खुद का जो उसका एफर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका लॉजिक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, क्यों, जैसे हम लिखते थे ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था, वी ए माइनस वी बी, यानी बी को जब हमने रेस्ट पे मान लिया तब ए की क्या वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जैसे जैसे 10th 9th में भी दिया होता था क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो उसको हम लोग यहां पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वी ए बी का क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि रिवर को हमने जब रेस्ट पे माना तो मैन की जो वेलोसिटी है, तो हुई ना वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये फॉर्मूला हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं अब तक, और ये क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से ये मेरे को क्या मिलेगा, ये है ना, यहां पर आप फोकस करो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर हो, ये दूसरा है इसका भाई जो यहां खड़ा है, ये इसको जब ऑब्जर्व करेगा तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको जो इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी वो दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगी, एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज दिस, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस, तो ये ऐसे जाना चाहेगा, नदी इसको ऐसे बहा ले जाएगी, एज अ रिजल्ट ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, विच इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
ग्राउंड से देखने पे मैन क्या दिखाई देगा, दो वेलोसिटीज के रिजल्टेंट में जाता हुआ, एक जो उसकी अपनी वेलोसिटी है विच इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर विच इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस रिवर जिस उसको जिस तरफ बहा के ले जाना चाह रही है उस तरफ, इन दोनों को कंबाइन करके ये फाइनल उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी हमको मिलने वाली है। यही एक इसमें केस है। अब इसको आप स्प्लिट करके चाहे जिस तरीके से पढ़ाया जाता है कि टाइम टेकन टू मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर या मिनिमम डिस्टेंस या ड्रिफ्ट जो भी है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। एक बार फिर बताऊं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देखने पे मैन की क्या वेलोसिटी है, जो उसकी अपनी वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, और जो रिवर की वेलोसिटी है, उन दोनों का रिजल्टेंट। बस ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमको दिखाई दे रहा है जो भी हो रहा है। ठीक, सो इसको हम लोग पहले सिंबल्स में ही सॉल्व करें और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज पुट करें। एक जनरल केस ले लेते हैं कि जैसे ये रिवर है और ये रिवर इधर फ्लो करती हुई जा रही है, ये रिवर इधर फ्लो करती हुई जा रही है वी आर वेलोसिटी से, विच इज, अब इसको मैं सिर्फ वी आर लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले में मैंने बताया था ना जी लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं सिर्फ वी आर लिख रहा हूं दैट मीन्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, सो दिस इज वी आर। ठीक, एक बंदा जा रहा है ऐसे, मान लो रिवर की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतना। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये थीटा एंगल पर है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स हो गया, ये हमारा प्लस वाई हो गया और ये हमारा माइनस वाई हो गया। मतलब रिवर के अलोंग इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। इस तरीके से अगर हम इसको ले लें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा ये वाला होगा वी एम आर कॉस थीटा, तो ये हो गया वी एम आर कॉस थीटा आई कैप, प्लस एक कंपोनेंट ये वी एम आर साइन थीटा, सो प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप, है ना। और वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगी वो होगी वी आर, वी आर ये तो सिर्फ इस तरफ है ना रिवर, वी आर आई कैप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, इन दोनों का रिजल्टेंट वी एम, इसमें और इसमें जब मैं ये ऐड करूंगा तो इसमें आई कैप कॉमन आएगा, तो यहां पर आएगा वी एम आर प्लस वी आर, वी एम आर के साथ कॉस थीटा भी है ना, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट की कहानी, इसी पे हमारा सब कुछ बेस्ड रहेगा। ठीक, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जब इसको ग्राउंड के फ्रेम से देखा जाएगा तो। ठीक, अच्छा, अब अगर बोलें कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मान लो जो रिवर की विड्थ है वो डी है, तो इस तरफ क्या वेलोसिटी है भाई, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, यही तो रिवर क्रॉस करवा रहा है इससे, रिवर क्रॉस कराने में, क्योंकि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, जरा ध्यान से देखना, रिवर क्रॉस कराने में रिवर की खुद की वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, रिवर की खुद की वेलोसिटी तो चाहती है कि ये बंदा रिवर क्रॉस ही ना करेगा भी, क्योंकि रिवर तो उसको ऐसे बहा के ले जा रही है, लेकिन उसको रिवर क्रॉस करनी है तो उसको ऐसे जाना होगा, उसमें उसकी कंपोनेंट, उस रिवर क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट उसकी हेल्प करेगा, ये वाला कंपोनेंट उसकी हेल्प करेगा। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन इधर वाली जो वेलोसिटी है, यानी ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वी एम आर इज अगेन, बार बार बता रहा हूं भूल ना जाओ, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर विच इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वी एम आर इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यहां वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, थोड़ा सा पी लें वाटर,
ठीक है। सो कंडीशन, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, हाउ टू क्रॉस द रिवर, हाउ टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करनी हो तो क्या किया जाए, जिसको रिवर, जो रिवर क्रॉस करने के लिए ही रिवर में घुसा है, तैरने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं घुसा है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस कर ले। तो कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस कैसे करे, रिवर क्रॉस करने का जो टाइम है वो तो ये है, तो कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करने का क्या मतलब है, ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन मिनिमम कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है। इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कि किस पे होती है, 90 डिग्री पे। और जब मैं इसको 1 पुट करूंगा तो मिनिमम, टी मिनिमम कितना आ जाएगा, टी मिनिमम आ जाएगा डी बाय वी आर, आप चाहो तो वी एम आर, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हो। समझ में आई बात। सो थीटा 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा रिवर क्रॉस कब करेगा, जब वो रिवर के परपेंडिकुलरली चलना शुरू करेगा, मतलब रिवर के परपेंडिकुलरली स्ट्रोक मारना शुरू करेगा, तैरना शुरू करेगा। ऑब्वियसली तब वो एग्जैक्ट अपोजिट बैंक पे तो नहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है वो, थीटा 90 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन रिवर भी तो उसको बहा के थोड़ा आगे लेके जाएगी, तो वो ऐसे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे ठीक अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, लेकिन मिनिमम टाइम में पहुंचे, ठीक, मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। अच्छा, ये वाली कंडीशन भी हम देख लें, ये वाली कंडीशन भी कि वो बिल्कुल अपोजिट बैंक पे, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे अगर उसे पहुंचना हो तो उसे क्या करना होगा। जैसे कि यहां पर है वो, अभी मान लो ये है, अभी पॉइंट पी से वो चला है यहां से, और उसे पहुंचना है ठीक यहां पे, तो और रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहां पर अगर ऐसे ही चलेगा तो बह के इधर पहुंच जाएगा। वो उसकी जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वो किस किस का रिजल्टेंट है, वो उसकी जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी है उसका, प्लस रिवर की जो वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट है। तो वो ऐसे चले इस तरफ कि उसका जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एग्जैक्ट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ बने। सो इतने एंगल पर वो चले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट डिस्टेंस ट्रेवल ही ना करे। जैसे जैसे ये यहां से चल के यहां पहुंचता है, तो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया रिवर के अलोंग। तो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कंडीशन क्या है कि ये रिवर के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल करे ही ना, है ना। रिवर के अलोंग उसको कौन सा कंपोनेंट लेके जाएगा, ये वाला कंपोनेंट लेके जाएगा, यही तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये कंपोनेंट उसको एक्स में ले जा रहा है, वाई में ले जा रहा है, तो रिवर के अलोंग उसको ये वाला कंपोनेंट लेके जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये इसको रिवर के अलोंग लेके जाएगा। अगर ये कॉम्पोनेंट जीरो होगा तो ये रिवर के अलोंग नहीं जाएगा। इसका मतलब है दिस शुड बी जीरो, इसका मतलब है वी एम आर कॉस थीटा इज माइनस वी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन along river, and this is what, this is velocity of river, यानी कि
मैन का जो रिवर के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो और रिवर की जो वेलोसिटी है वो दोनों बराबर होने चाहिए, और माइनस का साइन आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स काट दें एक दूसरे को और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचे उसकी वेलोसिटी में, तो वो सीधा सीधा ऐसे पहुंच जाएगा, है ना। जैसे ये एंगल जो थीटा एंगल हमने लिया था वो यहां से रिवर के फ्लो से लिया था ना, सो बेसिकली दिस वन इज थीटा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस वी आर बाय वीएमआर, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, थीटा ऑब्ट्यूस है और ऑब्ट्यूस होना भी चाहिए, इस तरफ चलेगा तो कभी भी अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंचेगा, अपोजिट बैंक पे ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस तरफ थोड़ा चलना चाहिए, तो थीटा शुड बी ऑब्ट्यूस, और ऐसे चलना चाहिए कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करूं इधर एक कंपोनेंट वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का रिवर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, दोनों काट देंगे एक दूसरे को तब ये अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात। और फाइनल चीज, नॉट इन दिस केस, एक नए केस में ड्रिफ्ट निकालने को बोला हो सकता है कि मान लो अगर ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है या कोई भी केस है, तो वो कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा सपोज थोड़ा यहां पे, तो रिवर के अलोंग जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। ठीक, तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, रिवर के अलोंग उसको ले जाने वाला वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट ये है, सो ड्रिफ्ट हो गया वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा रिवर को फ्लो करने में, रिवर को क्रॉस करने में, सॉरी यहां से यहां तक पहुंचेगा तो रिवर को पूरा क्रॉस करके ही पहुंचेगा ना, रिवर को क्रॉस करने में इतना टाइम लगा, तो ड्रिफ्ट हो गया वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू डी बाय वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा तुमको, जनरल कॉन्सेप्ट में समझा रहा था अभी तक तुमको, अब क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा और उसमें हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूले हमको याद नहीं करने हैं, ऐसा यहां पे मैंने ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं डिराइव किए, कॉन्सेप्ट बताया, यही कॉन्सेप्ट अब तुमको क्वेश्चन में लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन, ये रिवर है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर इज सपोज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और यहां पर एक बंदा यहां से चालू हुआ, बहुत चालू बंदा है, 60 डिग्री के एंगल पे सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, रिवर की जो विड्थ है वो है 5 किलोमीटर मान लो। ठीक, ये हमको डेटा दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, एंड नंबर टू ड्रिफ्ट, इस बंदे का ड्रिफ्ट रिवर के अलोंग। ठीक करें इसको सॉल्व करते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स बनाओ वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज व्हाट, दिस इज 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस ये 10 sin 60 डिग्री जे कैप, cos 60 होता है 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, रिवर को क्रॉस करने में ये वाला कॉम्पोनेंट मदद करता है ना, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना है 5√3, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज डिस्टेंस इज 5/5√3 hours, 5 से 5 कट गया, 1/√3 hours, वैल्यू निकाले, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, ऊपर √3 बचेगा जिसका वैल्यू होता 1.732, नीचे बचेगा 3, तो कितना आर्स लगा 0.577 आर्स। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। नंबर टू,
दिस इज नंबर वन. नाउ ड्रिफ्ट, दिस इज नंबर वन ड्रिफ्ट. रिवर के अलोंग कितना ड्रिफ्ट, ऐसे जाना चाह रहा था है ना, ऐसे उसकी वेलोसिटी थी, रिवर उसको थोड़ा आगे बहा के ले गई, ऐसे जाना चाह रहा था, रिवर उसको आगे बहा के ले गई, तो इन दोनों के रिजल्टेंट में यहाँ पहुँचा. ठीक, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, इसको ठीक अपोजिट यहाँ पे जरा लाइन खींच दो, ये उसका हो गया ड्रिफ्ट. इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. सो ड्रिफ्ट क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम. इधर इधर ले जाने वाली जो वेलोसिटी है उसको हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाली जो वेलोसिटी है वो कौन कौन सी है. तो पहले तो निकालो वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस, प्लस साथ में रिवर का ऐड कर देंगे, रिवर का है 4 किलोमीटर पर आवर एक्स एक्सिस में, तो आई कैप वाले में 4 ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 आई कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप. ये ग्राउंड से देखने पे ऐसा दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कौन ले जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी ले जा रही है ना, ऑब्वियस है. उसका अपना कॉम्पोनेंट भी है 5 तो इधर, और प्लस रिवर भी उसको 4 से लेके जाएगी, डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया ना ये. 10 से तो वो ऐसे चला, तो 10 का ये कंपोनेंट आया 5, तो 5 से वो खुद भी आगे जा रहा है, प्लस 4 से रिवर भी उसको आगे चला रही है, तो 5 प्लस 4 9 से वो आगे जाएगा है ना. तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी हो गई 9, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना था, 1/√3 के फॉर्म में ले लेते हैं इसको, ईजी रहेगा. ये 1/√3 की वैल्यू आई थी ना, बट टाइम को हम लोग 1/√3 यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं. रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, रूट थ्री से डिवाइड किया, तो 9√3/3 किलोमीटर, यानी के 3√3 किलोमीटर का ड्रिफ्ट. क्लियर, ओके. सो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. तो ये सिंपल सा जनरल सा केस हमने ले लिया, कोई वैसा केस नहीं कि मिनिमम टाइम कितना लगा या अपोजिट बैंक पे पहुंचना है तो क्या करें. सो अब यहां पर एक ऐसा केस ले लेते हैं, सपोज यहां पर एक बंदा चला, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है इस तरफ, मान लो 4 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से, एक बंदा यहां पर 37 डिग्री के एंगल पे 5 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से स्टार्ट लेता है इस तरफ. अब इस तरफ स्टार्ट लेगा तो अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा, तो अपोजिट बैंक पे ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा. तो उस तरह का क्वेश्चन अगर हमारा आ जाए तो उसको स्टार्ट किधर लेना पड़ेगा, रिवर इधर फ्लो कर रही है तो उसको इस तरफ स्टार्ट लेना पड़ेगा ना. तो इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन आ गया सपोज. तो पहले तो हम ये देखें कि क्या ये इस कंडीशन में अपोजिट बैंक पे पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है. अपोजिट बैंक पे तभी पहुंच सकता है जब इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ रिवर की वेलोसिटी के कंपोनेंट के बराबर हो, तभी वो कैंसिल करेगा. मान लो रिवर की विड्थ था 1 किलोमीटर, ठीक, तो इसका ये कंपोनेंट इधर कितना आया, देखो 5 cos 37, और ये कंपोनेंट आया 5 sin 37. cos 37 कितना होता है, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. cos 37 इज 4/5, सो 5 × 4/5, 5 से 5 कट गया. सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है इधर, 4 किलोमीटर पर आर, 4 किलोमीटर पर आर इसका इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और रिवर का देखो कितना है 4 किलोमीटर पर आर इस तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी अगर ये 5 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से 37 डिग्री के एंगल पे इस तरफ से स्टार्ट लेगा. तो इस तरफ से ये एंगल कितना हुआ, रिवर के फ्लो से अगर नापना हो तो 180 माइनस 37 कितना, 143. ठीक, समझ में आ रही है बात. अच्छा तो बताओ कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, अपोजिट बैंक में जाएगा, ड्रिफ्ट तो उसका जीरो हो गया, तो कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 1 इस तरफ, रिवर क्रॉस कराने का जो इसका कंपोनेंट है वो इस तरफ वाला है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 sin 37, साइन 37 इज 3/5, तो 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स इज 1/3 × 60, 20 मिनट्स में रिवर क्रॉस करके अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा. अगर ये 37 डिग्री के एंगल पर इधर से स्टार्ट ले रहा होता,
अगर ये 37 डिग्री के एंगल पर इधर से स्टार्ट ले रहा होता और इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आर नहीं होती, कुछ और होती, तो ये कभी भी अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का और रिवर की वेलोसिटी का कैंसिल ना हो पाते। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमको सपोज निकालना है, ठीक, कि एक बंदा जो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की स्टिल वाटर में सपोज 10 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से तैर सकता है, 10 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से तैर सकता है, तो बताओ एक 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बहती हुई रिवर में कितने एंगल पर स्टार्ट ले कि अपोजिट बैंक पर पहुंच जाए, कितने एंगल पर स्टार्ट ले कि अपोजिट बैंक पर पहुंच जाए। तो मान लो इतने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ये वाला एंगल निकाल लेते, चलो ये एंगल है फाई, तो ये है 10, ये कितना हो गया 10 कॉस फाई, और ये वाला एंगल कितना हो गया 10 साइन फाई। सिर्फ इतना एंगल निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये पूरा थीटा है, मान लो हम सिर्फ इतना निकाल लें तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो पूरा तो आ ही जाएगा, है ना। सो 10 साइन फाई, 10 साइन फाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, इसका ये वाला कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 6, है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये 6 के बराबर होगा तो ये कट जाएंगे, तभी तो ये पूरा का पूरा अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। सो साइन फाई कितना आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा 6/10 यानी 3/5। 3/5 कब होता है, साइन थीटा, साइन थीटा 3/5 होता है 37 डिग्री के एंगल पे, है ना। सो दिस फाई शुड बी व्हाट, दिस इज 37 डिग्री, दिस फाई शुड बी व्हाट, दिस इज 37 डिग्री, यानी कि वो इधर से कितना स्टार्ट लेगा, थीटा कितना होना चाहिए, 90 प्लस 37, 127 डिग्री के एंगल पे स्टार्ट मारेगा अगर रिवर के फ्लो से, तो अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके रिवर बोट प्रॉब्लम्स में, इसी तरह के हैं, घूम फिर के इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं फिर छुट्टी। एक वर्कशीट लगा दी है साथ में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में बढ़िया सी, ठीक, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं जरा आपको कराऊं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी वी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां पे क्या दिया है, वी विच इज एन टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी यू, रिवर फ्लो कर रही है यू वेलोसिटी से, और वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो से एन टाइम्स कम है। At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? कम से कम ड्रिफ्ट हो कितने एंगल पर बोट को चलना चाहिए? क्या ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है? एक यहां पर आप बात जरा ध्यान से सुनो। देखो ड्रिफ्ट जीरो कब होता है, जब अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाता है बंदा या बोट, तो ड्रिफ्ट जीरो कब होता है, जब इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी के बराबर होता है। ये तभी पॉसिबल है जब मैन की या बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो, क्योंकि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसमें कॉस थीटा या साइन थीटा मल्टीप्लाई करके आएगा, कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही होती है, तो जब हम ये जो भी वेलोसिटी है इसका ये वाला कंपोनेंट तो इससे कम ही आएगा और वो रिवर के फ्लो के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट रिवर के फ्लो के बराबर तब होगा जब एक्चुअल जो उसकी वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो से ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी रिवर के फ्लो से कम है तो ये कंपोनेंट तो और कम आ जाएगा ना। तो यहां पे देखो, बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी वी विच इज एन टाइम्स लेस देन द रिवर वेलोसिटी यू, तो बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ही कम है तो उसका कंपोनेंट तो और कम होगा, तो ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। अब पूछा है कि कम से कम ड्रिफ्ट कब हो, अब जब भी ये मिनिमम या मैक्सिमम का क्वेश्चन आ जाए तो फिर मैक्सिमम मिनिमा लगेगा, बता रखा है आपको। देखो ये सिचुएशन ऐसी है कि ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है यू वेलोसिटी से, और बोट कितने एंगल पर चले, सपोज कितनी वेलोसिटी है बोट की, वी, मान लेते हैं नॉर्मल से थीटा एंगल पर चले, वैसे तो यहां से पूछा है स्ट्रीम से, तो हम 90 ऐड कर देंगे जो भी थीटा आएगा, है ना, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ये काफी बड़ा है, इधर बना लेते हैं तो एज अ रिजल्ट पहुंचेगा इधर, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं हो रही। तो ये देखो कितने एंगल पर ये स्ट्राइक मारेगा,
इसका v का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v साइन थीटा, और ये है रिवर का फ्लो u, और ये है v कॉस थीटा, है ना। तो ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट का भी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना, u माइनस v साइन थीटा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना, u माइनस v साइन थीटा, u से इधर, v साइन थीटा से इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u माइनस v साइन थीटा बना। तो ड्रिफ्ट क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होता है, सपोज विड्थ ऑफ रिवर इज d, जिसकी कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, शायद ये कटेगा बाद में, डिस्टेंस अपॉन ये वाला कॉम्पोनेंट, ये वाला कॉम्पोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा। सो दिस इज अवर ड्रिफ्ट, सपोज हम इसको एक्स मान लें, सो दिस ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, कितने एंगल के लिए ये मिनिमम हो, तो हमें इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हमने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, अभी डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा इजी बना लें हम इसको पहले, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो u बाय v cos थीटा माइनस v tan थीटा, है ना, v से v कट गया, पहले इसको यहां मल्टीप्लाई किया u बाय v cos थीटा, फिर इसको यहां मल्टीप्लाई किया, v से v कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इंटू d, इसको भी ऊपर ले जाएं, तो x हो जाएगा u sec थीटा बाय v माइनस टेन थीटा इंटू डी। अब इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमा मिनिमा का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मतलब आपने मैथमेटिकल टूल्स ठीक से नहीं पढ़ा, उसमें मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आप लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। सो u बाई v एज इट इज, sec थीटा का डेरीवेटिव sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी एज इट इज। सो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए दिस शुड बी जीरो, जीरो करूंगा तो क्या आएगा, डी उधर चला गया, कॉमन आके कैंसिल हो गया, यू बाई वी sec थीटा इज वन अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो दिस इज u बाय v साइन थीटा माइनस वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन इक्वल टू जीरो, उधर जाके हो जाएगा जीरो। तो बताओ बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, v बाय यू। सो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट थीटा शुड बी साइन इनवर्स v बाय यू, दिस इज थीटा। देखो d की जरूरत ही नहीं पड़ी, d तो पहले ही उड़ गया है ना, दिस इज थीटा। तो थीटा परपेंडिकुलर से इतने एंगल पर बोट चलेगी तो उसका ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, और यहां से निकालना हो तो 90 ऐड कर दो, तो फाइनल जो हमारा आंसर है स्ट्रीम डायरेक्शन से, दैट इज 90 प्लस साइन इनवर्स वी बाय यू। ठीक है बच्चों, सिंपल था, कोई ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो ये होते रिवर बोट प्रॉब्लम्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वर्कशीट नीचे अटैच कर दी गई है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।